हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ्स डे 4 का एक्सरसाइज 33 का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। एक्सरसाइज 32 में थोड़ा बहुत हम लोग फ्रैक्शन लिखने सीखे थे कि फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, और आज हम लोग उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। और अगर आपको मैथ्स डे 4 का बाकी एक्सरसाइज इससे पहले वाले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ जिसमें मैथ स्टेप 4 के एक्सरसाइज 32 तक का सॉल्यूशन दिया हुआ है। उस लिंक पे जाएं और जिस भी एक्सरसाइज का आपको वीडियो देखना है आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा क्वेश्चन एक्सरसाइज 33 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है रिंग ऑल द लाइक फ्रैक्शन को रिंग करो, मतलब सर्कल करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को लाइक फ्रैक्शन के बारे में जानना चाहिए, है ना, कि लाइक फ्रैक्शन है क्या। तो लाइक फ्रैक्शन कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही फ्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शन होता है, बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं। उसमें से देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा है ना, तो फ्रैक्शन अगर बहुत सारा फ्रैक्शन दिया हुआ है, 1/2, 2/4 कुछ भी दिया हुआ है, बहुत सारे फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, अगर सबका डिनोमिनेटर बोले तो नीचे वाला फ्रैक्शन का नीचे वाला जो नंबर है सबका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन है। सबका डिनोमिनेटर अगर सेम है तब वो आपस में लाइक फ्रैक्शन है, आइंदा नहीं है। ठीक है, तो इसका बहुत आगे जरूरी पड़ता है, वो हम आगे बताएंगे आपको कैसे क्या किधर इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि लाइक फ्रैक्शन हम लोग मतलब क्यों यूज किया जाता है, लाइक फ्रैक्शन क्यों पढ़ा जाता है। तो देखिए, अब किसी चीज का 10 पार्ट किया गया है, कितना पार्ट करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, है ना। तो किसी चीज का 10 पार्ट किया गया, उसमें से एक पार्ट आपको मिला, एक पार्ट आपके दोस्त को मिला, और तीन पार्ट आपके दोस्त को मिला, और 7 पार्ट किसी को मिला। तो इससे आपको पता चल जाता है कि किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला, क्योंकि उसी एक चीज का मतलब या फिर सेम चीज है। कोई एक केक है, फिर एक केक है, तीन केक है, ठीक है, तीन केक, इसका भी 10 भाग किया गया, इसका भी 10 भाग किया गया, इसका भी 10 भाग किया गया, और इसका भी 10 भाग किया गया। ठीक है, तो इसमें से अगर तीन चीज है सबका 10-10 पार्ट किए हैं। ठीक है, बराबर बराबर पार्ट की, मतलब ये मतलब कोई सामान भी बराबर था। ठीक है, मान लो तीन केक था, तीनों एक एक पाउंड का केक था, उसका सबका 10-10 भाग किए। अब उसमें से मान लीजिए आपने एक भाग खाया और आपके दोस्त ने 3 भाग खाया, और फिर आपके भाई ने तो 7 भाग खा लिए, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा खाया, है ना, क्योंकि सबका बराबर बराबर हिस्सा है, मतलब भाग जो किया गया है, पार्ट जो बनाया गया है वो बराबर बराबर है, तो उसमें पता चलता है। ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर सेम मतलब सबका समान भाग किया गया है तो वो लाइक फ्रैक्शन है आपस में। तो यहाँ पे तो सिंपल है कि लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं उसको फिर आपको रिंग करना है। तो लाइक फ्रैक्शन को आप लोग याद रखना है कि जितने सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा तो वो आपस में लाइक फ्रैक्शन होगा। तो लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम होगा, लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम होगा, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर सीधा लाइक फ्रैक्शन को सर्कल करते हैं। तो मैं सर्कल नहीं कर पाऊंगा, आप लोग कर लेना अपना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर बी नंबर में 13 13 13, डिनोमिनेटर सेम है आपस में, ये मतलब लाइक फ्रैक्शन है। ये 19 19 19, ये आपस में सारे लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें ये सारे लाइक फ्रैक्शन है, इसमें ये सारे लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है रिंग द फ्रैक्शन विच इज अनलाइक अदर्स, रिंग द ऑड नंबर, मतलब इसमें अनलाइक फ्रैक्शन मतलब वही हो गया ना, उसमें सारे लाइक फ्रैक्शन का सर्कल किए थे, इसमें अनलाइक, अनलाइक मतलब इसका डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो इसमें अनलाइक कौन कौन है, तो ये, इसमें ये, और इसमें ये, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ लाइक और अनलाइक, मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना होगा कि ये लाइक है या अनलाइक है। तो मैं तो यहाँ पे साइड में लिख दूंगा आंसर, ठीक है, ए का, बी का, सी का और डी का। तो 1/5, 3/5, 2/5, 4/5, देखिए
यहाँ पे क्या है, सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये आपस में लाइक फ्रैक्शन हुआ। ये कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। बी नंबर में 1/4, 3/5, 6/16, 8/19, यहाँ पे किसी का भी डिनोमिनेटर एक दूसरे से नहीं मिलता है, तो जब डिनोमिनेटर नहीं मिलता है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन, वो कौन सा फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। 1/9, 2/7, 3/17, 8/21, यहाँ पे भी अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि किसी का डिनोमिनेटर नहीं मिल रहा है। फिर 8, 8, 8, 8, सब में 8 है डिनोमिनेटर में, तो ये आपस में लाइक फ्रैक्शन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, रिंग द प्रॉपर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पे नया एक टर्म आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एक होता है, देखिए पहले बता देता हूँ, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एक प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या रूल है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। न्यूमरेटर क्या होता है बाबू, छोटा होता है। और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है। सर किससे बड़ा होता है या किससे छोटा होता है, ये भी तो इम्पोर्टेंट चीज जानने वाली है ना, कि किससे बड़ा होता है और किससे छोटा होता है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। न्यूमरेटर अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इट मीन्स 2/3। देखो न्यूमरेटर ये हुआ और ये डिनोमिनेटर हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा होता है तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। समझ में आ रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर छोटा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर बड़ा होता है। जैसे आपको याद रखना है रख सकते हैं, जैसे भी याद रख सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर बड़ा होता है। जैसे आपको याद रखना है आप याद रख सकते हैं, बस अगर आप एक ही नंबर को, मतलब एक ही चीज को अगर याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होता है और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको इरेज कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, रिंग द प्रॉपर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन को रिंग करना है। सेवन, सेवन तो सबसे पहले फ्रैक्शन ही नहीं है, सेवन फ्रैक्शन है ही नहीं, ये एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो 2/3, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है नहीं है, 3 छोटा है, हाँ ये न्यूमरेटर प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है। और एक बात और, ये 1/2, इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसको कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें होल नंबर भी रहता है और फ्रैक्शनल नंबर भी रहता है। तो 1 यहाँ पे क्या हो गया, होल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर भी रहता है और साथ में ये फ्रैक्शनल नंबर भी रहता है, तो दोनों मिलके जब बनता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये याद रखने वाला चीज है, मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये आगे बताएंगे कैसे होता है, कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलता है, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलता है, वो सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में बदलता है, कैसे बदलता है, वो सब आगे हम बताएंगे वीडियो में, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 12/3, 12 बड़ा है और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या पढ़े हम लोग, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, मतलब ऊपर वाले नंबर छोटा होना चाहिए, तो ये नहीं हुआ। 7/8, हाँ ये है, 4/5, हाँ ये है, 6/7, यस ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 19/37, यस प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2/4, यस, 10/2, नो ये नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, रिंग द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको रिंग करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। 2/2 ये तो नहीं है, 3/4 नहीं है, 4/3 हाँ, 5/2 हाँ, 2/5 नहीं, 6/11 नहीं, 11/6 यस, 12/5 यस,
17 बाई 7 यस, 4 बाई 2 यस, 19 बाई 9 यस, 13 बाई 30 नो। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, रिंग द मिक्स फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको भी तुरंत बताएं, मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन कहलाता है जो जिसमें होल नंबर भी रहता है और साथ में फ्रैक्शनल नंबर भी रहता है। अब देखिए, जिसको फ्रैक्शनल नंबर पता नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं पता है वो जान लो। ओह चलो, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, जो 1/3/4, 4/5, 5/6 ऐसे किसी फॉर्म में लिखा हो रहता है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, जीरो से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पूरा अनंत तक, इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, इन्फिनिट अनंत तक, जहाँ तक आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ तक सारे नंबर ऐसे वाले होल नंबर कहलाते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, होल नंबर और साथ में प्लस फ्रैक्शनल नंबर, ये दोनों मिक्स होके लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। क्या बनता है, मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन कौन कौन है, देखो 3 whole 1/4 इसको पढ़ते भी ऐसे हैं, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, 1 whole 1/2 ये मिक्स फ्रैक्शन है, 4/5 नहीं, 7 whole 1/4 ये मिक्स फ्रैक्शन है, 8 whole 3/7 ये मिक्स फ्रैक्शन है, 3 whole 6/17 ये मिक्स फ्रैक्शन है, 9 whole 1/3 ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी है, ये भी है। तो जो होल नंबर, जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर दोनों रहता है, तो वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, रिंग द यूनिट फ्रैक्शन, रिंग द यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। यूनिट फ्रैक्शन होता है, यूनिट फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका 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 न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट फ्रैक्शन कौन सा हो गया, 1/2, 1/7, 1/9 ये सारे यूनिट फ्रैक्शन हो गए, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग क्या पढ़े, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, यूनिट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स फ्रैक्शन और ए होल नंबर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स फ्रैक्शन और ए होल नंबर, होल नंबर और साथ में वो। अब देखिए, यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये सारे कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि सब में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो यहाँ पे सारे क्या है, न्यूमरेटर बड़ा वाले हैं, तो ये सब हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग को समझना होगा कि कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग को एक चीज समझना होगा, जैसे ये 4/2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4/2, तो ये ऊपर वाला नंबर को जो कहते हैं वो डिविडेंड होता है, डिविडेंड डिवाइड में हम लोग पढ़े हैं ना, डीवी डी आई वी आई डीई एन डी डिविडेंड, और नीचे वाला जो नंबर होता है वो डिविजर होता है, मतलब भाजक, भाग देने वाला, ठीक है। ऊपर वाला नंबर डिविडेंड होता है और नीचे वाला नंबर डिविजर होता है। अब जैसे 4 है और 2 है तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डिविजर किधर लिखते हैं, पहले लिखते हैं 2 और डिविडेंड को बीच में लिखा जाता है, तो इधर हो गया 4। ये हमेशा होगा, हमेशा ऐसे ही होगा, जब भी ऊपर वाला नंबर डिविडेंड होगा और नीचे वाला नंबर डिविजर कहलाएगा। तो हम लोग को पहले डिवाइड करना होगा, तो इसको मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग को डिवाइड करना जरूरी है। बाद में धीरे धीरे आपको डिवाइड भी करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा अपने मुंह से होगा, लेकिन अभी ये समझो कि डिवाइड करना है। जैसे 3/2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, कितने टाइम्स में कटेगा, 1 टाइम्स में, 2 × 2 1 टाइम्स में कटा, बचा कितना, 1, ठीक है। अब जो क्वोशेंट आया,
अब मिक्स फ्रैक्शन जब लिखेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं, एक नंबर यहाँ पे होता है, एक नंबर यहाँ और एक नंबर यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोशेंट लिखेंगे, यहाँ पे कोशेंट लिखेंगे और ऊपर जो लिखेंगे वो रिमाइंडर लिखेंगे और नीचे तो डिविजर लिखाएगा ही लिखाएगा। तो कोशेंट कितना आया 1 और रिमाइंडर कितना आया 1 और नीचे तो डिविजर 2 पहले से है, तो इसको 1 होल 1/2 पढ़ेंगे, 1 होल 1/2, नहीं समझे। चलिए एक बार एक और समझ लीजिए, मतलब 2/3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 होल 1/2। अब 4/3 है, 4/3, तो एक ऐसे डिवाइड से कर लिए, ठीक है। अब ऐसे भी कर, मतलब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 3 का टेबल 4 बार कितने टाइम्स में आता है, तो 3 1 3 3 2 6 6 बड़ा हो जाता है, तो 1 टाइम्स में 4 आता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 4 में से 3 माइनस होगा। जैसे हम लोग मेनली मुंह से डिवाइड ही कर रहे थे, 3 से इधर 4 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में 3 कटा, 4 में से 3 माइनस हुआ, 1 बचा, तो ये 1 तो यहाँ लिखा गया। अब रिमाइंडर ऊपर लिखा था, तो 4 में से 3 माइनस होगा कितना बचेगा, 1, ऊपर 1 लिखा है और नीचे 3, तो 4/3 का आंसर जो होगा 1 होल 1/3 भी होगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, 4/2। अब 4/2 तो ये तो पूरा कट जाएगा, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में है ना, तो 2 2 4, तो ये तो होल नंबर आ गया, सीधा होल नंबर आ गया। अब आता है 8/6। अब 6 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में आता है सर, 6 1 6। फिर 8 में से 6 माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस करना होगा ना, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 और नीचे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, ई में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ई में 10/3 है ना। तो अब 3 के टेबल में 3 का टेबल पढ़ना है, 3 से डिवाइड करना है, तो 3 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 3 3 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, तो 3 3 9, तो 9 आया, फिर 10 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1, तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 1 ऊपर में लिखेंगे और नीचे डिविजर तो 3 होगा ही, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 होल 1/3। नहीं ऐसे आ रहा है तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, 3 फिर यहाँ पे 10 लिखना है, फिर कितने टाइम्स में कटेगा, 3 टाइम्स में कटेगा, 3 3 9, फिर 10 में से 9 1, तो ये क्वेश्चन यहाँ लिख जाएगा, ये रिमाइंडर ऊपर चल जाएगा माथे पे और 3 तो डिविजर में रहेगा ही, समझ में आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर एफ है, जी है और एच है, इसको भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या कर रहा है, 11/5, तो 5 1 5, 5 2 10, 2 टाइम्स में, 10 के बाद कितना काउंट करेंगे तो 11 आ जाएगा, 1, तो 1 ऊपर नीचे 5, नहीं समझे। 5 के टेबल में कितने बार में 11 आएगा, नहीं आता है ना, तो 2 से कम लाना है, तो 2 टाइम्स में 10 आया, 10 के बाद कितना और काउंट करेंगे तो 11 आ जाएगा, 1, तो जितना काउंट करेंगे ऊपर 1, मतलब 11 में से 10 गया तो 1 बचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी नंबर में क्या कहता है, 17/5, तो 5 के टेबल में 17 कितने टाइम्स आता है, तो 3 टाइम्स में 5 3 15, 15 के बाद 16 17, तो 2 और 5, 2 होल 1 सॉरी 3 होल 2/5। नेक्स्ट है 23/7, तो 7 के टेबल में 23 पढ़ेंगे, तो 7 7 7 14, 7 3 21, 3 टाइम्स में आया 21 के बाद काउंट करेंगे 22 23, 2 आया, 2 ऊपर 7 नीचे, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन होगा चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको लिखना है। जैसे ए नंबर 1 होल 1/2, तो देखो 1 होल 1/2 को क्या करना होगा, सबसे पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है,
और जो मल्टीप्लाई करके आंसर निकलेगा ये ऊपर वाले से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे 2 1 जा तो 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस ऊपर में जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देना नीचे में 2, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 बाय 2, ये आपका आंसर हो गया। समझे नहीं समझे तो एक और बनाते हैं फिर से, बी नंबर। बी नंबर में क्या कहता है, 1 होल 1 बाय 3, तो क्या करना है, 3 1 जा 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऊपर में कितना है 1 बाय 3, तो 3 1 जा 3 3 प्लस 1 4 4 बाय 3, ये हो गया आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहता है, 2 होल 3 बाय 4, तो इसको क्या करना होगा, 4 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों आपस में तो मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 3 बाय 4, तो 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 8 प्लस 3 11, तो 11 बाय 4। तो सिंपली आप लोग भी समझ गए होंगे कि ये साइड वाले होल नंबर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो अब हम ये बार बार ये स्टेप नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे है 2 होल 1 बाय 5, तो सीधा करेंगे 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11 बाय 5, ठीक है। अब ई नंबर में 3 होल 2 बाय 7, तो 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 तो 22, 23 हो जाएगा आंसर 23 बाय 7, ये आंसर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है क्वेश्चन नंबर एफ में क्या कहता है, 3 होल 4 बाय 9, ये है, तो 9 3 जा 27, 27 28, 29 30, 31, तो 31 बाय 9, समझ आ रहा है, 4 ऐड कर दिए, काउंट कर लेते हैं ना, 4 आगे काउंट कर लेते हैं ओंगली पे। जी नंबर 5 होल 3 बाय 8, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा कितना 40, 40 प्लस 3 43, 43 बाय 8। देखिए यहाँ पे सारे न्यूमरेटर बड़े आ रहे हैं, है ना, तो ये सारे क्या हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मिक्स फ्रैक्शन होता है और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनता है। अब लास्ट क्वेश्चन एच नंबर 6 होल 4 बाय 9, 6 होल 4 बाय 9, 9 6 जा 94, 54 प्लस 4, 54 जा 55, 56, 57, 58, तो 58 बाय 9, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप लोग को मेरा वीडियो यहां तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, राइट द इंटीग्रल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इसमें इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट आपको लिखना है, अलग अलग लिखना है। तो जैसे ए नंबर क्वेश्चन में है 2 होल 3 बाय 4, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है, INTEGRAL इंटीग्रल, और इधर फ्रैक्शनल, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट। अब इंटीग्रल पार्ट मतलब होल नंबर पार्ट को इंटीग्रल पार्ट ही कहते हैं, तो होल नंबर कितना है 2 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 3 बाय 4, ये हो गया आपका इंटीग्रल और फ्रैक्शनल, समझ में आया। फिर बी नंबर में क्या कहता है, 4 होल 5 बाय 7, इंटीग्रल पार्ट 4 हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट 5 बाय 7 हो गया, ठीक है। सी नंबर में क्या कहता है, 9 होल 1 बाय 2, तो 9 इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया और 1 बाय 2 इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। डी नंबर में 10 होल 7 बाय 8, तो 10 इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया और 7 बाय 8 इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन एज फ्रैक्शन। अब यहाँ पे डिवीजन को फ्रैक्शन के तौर पे लिखना है, ये जो डिवीजन दिया हुआ है, गिवन डिवीजन,
उसको फ्रैक्शन में लिखना है। अभी कुछ देर पहले ही आपको हम बताए हैं कि कैसे डिविडेंड को कहाँ लिखते हैं और डिविजर को कहाँ लिखते हैं। अब देखो, डिवाइड के बाद जितना भी नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये सारे नंबर क्या है? डिविजर है, भाग देना है इस वाले नंबर को। तो पहले वाले नंबर क्या है? डिविडेंड। तो डिविडेंड कहाँ लिखते हैं? हमेशा डिविडेंड ऊपर लिखते हैं। डिविडेंड कहाँ लिखते हैं? हमेशा ऊपर लिखते हैं। और डिविजर कहाँ लिखते हैं? हमेशा नीचे। तो 3/5 बी नंबर का, 5/3 है ना, सी नंबर, 7/9 डी नंबर, 9/7 है ना। तो जो नंबर पहले होता है, जो डिविडेंड होता है, उसको ऊपर लिखते हैं और डिविजर को नीचे लिखते हैं। ई नंबर 8/11, एफ नंबर 11/13, जी नंबर 15/25 और एच नंबर 8/1। अब 8/1 हो या ना, नीचे 1 हो या ना हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपली 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन में बोला है तो 8/1 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्या कह रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। अब इसको डिवीजन के फॉर्म में लिखो, तो सिंपल जो ऊपर में था उस फॉर्म में, ये वाला फॉर्म में लिखना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं, ऊपर वाले नंबर को, जैसे ए नंबर 7/9 है तो 7/9, बी नंबर में क्या है 8/11 तो 8/11, सी नंबर 12/15। डिवाइड हो या ना हो वो अभी नहीं देखना है, अभी बस डिवीजन फैक्ट में या फॉर्म ऑफ डिवीजन में लिखना है या फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर क्या है, डी नंबर 8/8, ई नंबर 6/1, एफ नंबर 22/9, जी नंबर, अब जी नंबर में देखो 2 whole 1/4 है, तो 2 whole 1/4, तो सबसे पहले 2 whole 1/4 ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले हम लोग को क्या करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो यहाँ पे 4 multiply 2 8, 4 2 8, 8+1 9, तो 9/4, फिर इसको लिखना पड़ेगा 9/4। अब क्या है, एच नंबर, एच नंबर में 6 whole 2/5, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे 5 6 30 30+2 32/5, 32/5, अब इसको डिवाइड में लिखेंगे 32/5। यहां तक आपका एक्सरसाइज 12 खत्म, सॉरी एक्सरसाइज 33 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हो गया है ना। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे और जो वीडियो बनाए वो आप लोग के पास पहले पहुंचे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।